हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं ना दरवाजे के पास बैठी हुई हूँ और मेरी तबीयत रात में ज़्यादा ख़राब थी, बट इस टाइम पे फीवर नहीं है, लेकिन आराम से यहाँ पे ना बैठी हुई हूँ। धूप थोड़ी थोड़ी आ रही है बाहर, तो बाहर वाली धूप पे बैठने का बिल्कुल इच्छा नहीं है क्योंकि इतना तेज़ तीखा तीखा धूप हो रहा है, बट यहाँ पे ठीक है। मतलब थोड़ी थोड़ी ना बस धूप की वो आ रही है, मतलब बोलते हैं ना कि उसकी हीट आ रही है धूप की, इतना ठीक है। स्पर्श की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी ख़राब है, तो हम दोनों पड़ गए। स्पर्श की पहली हुई, दर्द मेरी हुई, और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। लंच बाद में बनाऊंगी, एक डेढ़ घंटे बाद। और मैं ना अभी वीडियो की सोची कि एडिटिंग कर लेती हूँ, मन नहीं हो रहा था वो भी करने का क्योंकि रात भर फीवर था मुझे। तो हालत कैसे भी हो, बट काम तो करना ही है। तो अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ। ये सुबह से बेड ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने ठीक भी नहीं किया था, तो बस अब करना ज़रूरी हो गया था फिर, क्योंकि ऐसे ना मैशी मैशी अच्छा नहीं लगता है, और फिर जब लेटने आओ तो लेटने का भी नहीं मन करता है, इसलिए मैं सोची कि चलो अभी ठीक कर देती हूँ। और उसके बाद ये दो पिलो कवर, इस पर्श का पिलो कवर डेली चेंज करती हूँ क्योंकि उसको जुकाम है, तो उसका मैं चेंज कर देती हूँ। एंड उसके बाद ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह भी मैं अभी ठीक कर दे रही हूँ, और मुझे अभी कपड़े भी वॉश के लिए लगाई थी, तो भी अभी वॉश हो रहा है, तो जब वो वॉश हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं अभी ले जा कर पहाड़ी डाल दूँगी। स्पर्श एकदम अभी अभी जस्ट लेके आई हूँ, कितना खुश है स्पर्श पार्सल देख के। क्या है बताना इसमें? पार्सल है तो पार्सल में इसमें अंदर क्या है? अगर मैं इसको नहीं खोलूंगी ना, रख दूंगी अगर मैं लेट गई, तो फिर वो आके मुझसे बोलता है कि मामा खोल दो पार्सल, और इसके काम का कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन इसको ना बस देख लेना है कि इसमें है क्या। खुलेगा ना तो एकदम खुश होता है। चलिए ओपन। ये मैंने ना क्लोविया से कुछ ऑर्डर किया था, वही आया है, देखती हूँ। कई बार तो ना कोई जो चीजें ऑर्डर करो वो चीजें नहीं रहती है, तो मैं ओपन करके देख लेती हूँ। क्या है स्पॉट? दादाजी पास। कैसे जाओगे? ट्रेन से। ट्रेन से? इसमें जोर से बोलो ताकि सब कोई सुन ले। ट्रेन से बोलो। ट्रेन से। कहाँ जाओगे, किसके पास? दादाजी पास। दादाजी पास जाएंगे स्पर्श। स्पर्श दादाजी पास जाएंगे, इतना इनको याद आता है ना दादाजी की, कि मैं क्या कभी भी भूल नहीं पाता है। हम कब गए थे, नवंबर में घर गए थे, और नवंबर से लेके अभी क्या मार्च चल रहा है, लेकिन इसके मतलब मुंह में वही शब्द रहता है, दादाजी पास जाऊंगा और ट्रेन से जाऊंगा। इसको मैं बीच में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि ये भूल जाए, मैं इसको याद ना दिलाने दूँ, लेकिन फिर भी ना एक दो दिन वैसे रहता है, लेकिन फिर उसके बाद यही वाला शुरू कर देता है। आती नहीं हूँ आप लोगों से, स्कूल से आता है, स्कूल से आएगा, खाना खाने से पहले बोलता है कि दादाजी के पास, फिर मैं बोलती हूँ कि आप खाना खा लो फिर मैं ले चलूँगी, तो ये फिर खाना खाता है। मतलब हर एक चीज़ में इसको दादाजी चाहिए और दादाजी पास जाना है, पता नहीं इतना ज़्यादा इसको प्यार है ना कि कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये भी कभी कभी सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इसे, और मतलब 6-7 महीने से ऐसे ये करता है, उससे पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन 6-7 महीने से ना बहुत ज़्यादा ये करता है, और अभी भी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब ख़त्म नहीं होता। और मैं अभी यहाँ पे तैयार हुई हूँ वीडियो शूट करने के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दवा खा के 3 बजे दवा खाई थी, और अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, तो तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह से ना मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी, लेकिन अभी मेरा फीवर उतरा हुआ है और काम है तो काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कितना इजी होता है वीडियो बनाना, इजी नहीं होता है। अब सोचो कि मुझे फीवर है, फीवर में भी मैं तैयार होकर बैठी हूँ वीडियो शूट करना है, बिकॉज मुझे वीडियो जरूरी था बनाना, तो
मैं ऐसी एक बिंदी लगा ली हूँ ना कि ये वाली बिंदी मुझे दिख ही नहीं रही है, ऐसे दूर से करो ना तो नहीं दिख रही है, नजदीक से ऐसे कैमरा कर रही हूँ तो दिख रही है। तो जा रही हूँ फटाक से ना, पहले मैं अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ना मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। फोन आ रहा है शायद, फोन आ रहा है स्पॉश, पता नहीं किसका फोन है, फोन आ रहा है, फोन तो मिल ही नहीं रहा है, ये किसका फोन आ गया? गुड न्यूज, अचानक से फोन कभी भी उठाओ ना तो पता है क्या होता है, गुड न्यूज। तो क्या गुड न्यूज है? चलो, फोन में कुछ भी ऐसे कंपनीज वगैरह के फोन आते हैं ना तो गुड न्यूज सबसे पहले बोलते हैं। जैसे मैं फ्रिज खोली वैसे स्पर्श दौड़े दौड़े किचन में चला गया स्वीट्स देखने के लिए, और साइड से जो फ्रिज में दिखता है ना उधर से देख रहा था कि किधर रखा हुआ है। जब उसको नहीं दिखा तो फिर ऊपर वाला बोल रहा है खोलने के लिए कि ये वाला खोल दो, इसमें रखा हुआ है। स्पर्श को पता है कि स्वीट्स कहाँ है। अच्छा, अरे स्पर्श तो सब चेकिंग कर करके जाता है ना। स्वीट देख कौन लाया है, स्वीट्स कौन लाया है, ये कौन लाया है। स्पर्श का फेवरेट स्वीट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, काजू कतली। फ्रिज से ये देखो गिर रहा है, गुलाब जामुन फ्रिज से निकाली कल, बस ये खाए थे और मैंने खाई थी वैसे कि वैसे रखा हुआ है, तो ये पूरा देखिए गुलाब जामुन ये, और ये निकाली तो ये इनको नहीं चाहिए तो मुझे इसको गर्म करके खाना पड़ेगा क्योंकि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है। तो मैं इसको देती हूँ क्योंकि वो एकदम ना परेशान हुआ जा रहा है, देखिए घूम घूम के खा रहा है इधर स्वीट्स। और जो बर्तन मुझे स्टैंड में लगाने थे वो सब मैं अभी लगा दी हूँ, और उसके बाद मैं ना बाहर आ गई हूँ। बाहर काफ़ी देर से हम यहाँ पे थे और स्पर्श का थाने के पापा आने वाले हैं, बट अभी वो आएंगे नहीं, काफ़ी देर बाद आएंगे। तो यहाँ पे स्पर्श को ना बोल रही थी प्लांट्स को साइड में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना खड़े होने की जगह नहीं है, तो एक दो मैंने साइड सुबह सुबह किया था और उसका मैं चेक कर रही थी कि अभी फीवर है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्लांट्स ना बीच बीच में सोच रही हूँ ना गैप करके उसके बाद में रखूँगी, तो ये फिर से स्पर्श ना उस साइड में कर रहा था एंड उसको भी गर्मी लगने लगी थी, तो मैं उसका भी ना स्वेटर निकाल दे रही हूँ। उसके बाद हम दोनों ना बहुत देर तक मस्ती करते रहे बाहर। जो कपड़े थे ना वो सब मैं उतार के लेके जा रही हूँ अंदर, ये ब्लॉक्स गिरे हुए थे ऊपर से ना माई के, तो मैं ऊपर इसको थ्रो कर दी। बस अभी आई मैं बाहर से और स्पर्श की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो ना बाहर रुका नहीं, 6:05 कम है, आके ये बॉल पे अपने खेलने लगा। ये वाला बॉल इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये ऑफिस से निकले होंगे, इनको जा रही हूँ कॉल करने के लिए, क्योंकि ना ये वाले दवा से मेरा भी ठीक नहीं हो रहा है। स्पर्श का तो फिर भी ठीक है, स्पर्श का एक पेपर छूट गया इस बार। हाँ ए स्पर्श, एक पेपर छूट गया आपका, छूट गया, छूट गया स्पर्श का एक पेपर इस बार। एंड ये देखिए मंगाई हूँ हैंडबैग के अंदर, ये वाला था, ये अच्छा था, इसमें हवा भरा हुआ है और इधर साइड से हवा निकल भी चल रही है। हाँ स्पर्श, इधर स्पर्श की जंपिंग चल रही है। हाँ स्पर्श, ए स्पर्श, आपका तो बॉल इधर उधर हो जाएगा फिर, देख 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 स्पर्श की जब अभी बहुत गर्मी लग रही थी तो इसका स्वेटर भी निकाल दी। देखिए टाइम क्या हो रहा है, 6:05 कम है।
झलक शर्फी। एंड अभी ना ये ऑफिस से आ गए थे तो ये आज ब्रेड पकौड़े लेके आए थे। स्पर्श हमेशा ना मांगता रहता है तो डेली नहीं लाते हैं, कभी कभी ना दो तीन दिन के गैप पे लेके आते हैं, तो आज लेके आए थे। और मैंने जो गुलाब जामुन बनाए थे वो भी दिए थे इनको खाने के लिए। तो यहाँ पे स्पर्श से बोली आप प्लेट्स ला के रखो। पता नहीं क्यों हॉल में जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ ब्लर सा आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वैसे हो रहा है। और यहाँ भी ब्लर सा ही है, तो हो सकता है कैमरा पर कुछ लगा हो। तो यहाँ पर ना मैं अभी स्पर्श के लिए मिल्क निकाल के दे रही हूँ, और सॉरी स्पर्श के लिए नहीं, इनके लिए। इनकी भी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो यहाँ पे ये स्पर्श यहाँ पे पिला रहा है पापा को। हाँ? वो आपके आपसे ना फायदे के लिए ही सोच रहा है, फायदे के लिए बैठा है। देखो फायदा ये है कि उसको वॉलपेपर चेंज करना है, इसीलिए वो वहाँ बैठा हुआ है, जाता नहीं है इनके पास भी। तो मतलब इनके पास तो जाता है, लेकिन अभी ना जब ये ऑफिस से आते हैं तो उसको फायदे का काम रहता है, सिर्फ वॉलपेपर चेंज करना है। देन अभी ना भैया आ गए हुए थे और साथ में छोटू भी आया हुआ है। तो यहाँ पे ना स्वीट्स और ये काजू वाली बर्फी मैं निकाली हूँ, एंड अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे छोटू स्पर्श के साथ ना उसको पढ़ा रहा था, मतलब आज छोटू टीचर बने हुए थे और स्पर्श जो जो वो बोल रहे थे ना वो स्पर्श लिख रहा था। तो और ये लोग बातें कर रहे थे और मैं किचन में थी थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ पे कैमरा लगा दी थी, सोचे कि चलो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जाएगा, और मुझे अभी खाना ही बनाना है। तबीयत भी मेरी भी ठीक नहीं थी, बट सोची कि चलो अभी भिंडी बनाती हूँ या फिर कोई भी जो भी सब्जी बनानी है बनाती हूँ। और स्पर्श अभी चिप्स पूरा उसका ध्यान है चिप्स पे था, छोटू चिप्स लेके आया हुआ था। तो एक तो छोटू का था और एक स्पर्श का था, स्पर्श तो अपना खा गया था। एंड यहाँ पर फिर से स्पर्श को स्वीट्स मिल गई। तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किचन में आ गई हूँ, अभी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन और आलू की। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।